हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो समस्त को स्वागत करछु आउदरे हमर चैनल ले। तो आज के वीडियो में फाइनली हमें नई कैसे हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फॉर एसएससी एसएससी में और ट्रिपल एससी और एसएससी तासो तो ऑब्वियसली जहां भी ओडिसा गवर्नमेंट जे कोन से एग्जाम हो केमिति आपन माने इंग्लिश को अप्रोच करिवे। आ बेसिकली वीडियो होची आरआई पे भी जे माने प्रिपरेशन करछन फॉर स्टार्टिंग रु जे माने इंग्लिश पूरा पूरा डाउन होछन तो केमिति का प्रिपरेशन करिवे से विषय आपन मानको वीडियो कहबी। तासो तो किछ स्टेप वाइज मु आपन मानको इंग्लिश रे कहि दिस कोन को स्टेप रे आपन कोन कोन करिवे सब किछ आपन माने वीडियो कहि छ। आ स्टेप नंबर 5 आ स्टेप नंबर 7 ना मोस्ट इंपोर्टेंट, आपन माने बिल्कुल भी ताको स्किप करिवे नी। बहुत इंपोर्टेंट फॉर से बिगिनर हो किमा मॉडरेट हो किंबा हाई लेवल पिला भी हो, तो स्टेप 5 और स्टेप 7 को बिल्कुल भी मिस करिवे। तो पूरा स्टेप वाइज आपन मानको मु पूरा देखेबी कमती कोन सब जिनसो आपन माने कोन करिवे, तो सब किछ आपन माने जानि परे। आ वीडियो को लाइक कर देबे, जे माने भी चैनल नुवा आसो तो निहाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ता सो देसो सांग माने सहित भी शेयर कर देबे। आ टेलीग्राम चैनल एबे भी जदि ज्वाइन करना ते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनेबे। आ टेलीग्राम चैनल जेबे भी कोइ सब आपन मानको मु वीडियो रे किबा YouTube वीडियो रे आपन मानको अपडेट कर देबी, ता परे हेइ जबो आपन मानको YouTube वीडियो या फिर आपन टेलीग्राम रे अपडेट कर देबी क्विज पाई। तो क्विज एबे रिसेंटली हेइ परने बहुत पूरा प्रॉब्लम अछि, तो सेति में भाई माने सॉरी बहुत ही असुविधा रो छै टिके, तो सेति में के क्विज एका करी होनी। तो निहाते आपन मानको जबरदस्त क्विज होबो आ इंग्लिश पे प्रिपरेशन रो बिल्कुल भी टेंशन नै, जेमिति हम फास्ट रो कहिथिल इंग्लिश आ कंप्यूटर पई आपन मानको बिल्कुल भी चिंता करिवार नै, कारण भाई अछि तो निहाते करिके देखबो। तो वीडियो को स्टार्ट कर देबा, तो बिना किछि लेट करिके पूरा स्टार्टिंग रो हमें देखिबा हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फॉर ओ ट्रिपल एससी ओ एसएससी ओ पीएससी। तो स्टेप नंबर 1, डोंट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। एग्जाम ओरिएंटेड जे सब जहाँ सभी भी कॉन्सेप्ट आसुना ताको फर्स्ट टारगेट करो ना आउ एप्रोच भी करो ना, कौन कारण आपण माने पूरा जदि लो अछन तो सब जिनस जदि आपण एप्रोच करिवे तो आपण माने नर्वस हिजो ता पर कि आपण एग्जाम पूरा खराब जीवो। तो डोंट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। देन मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग। आपण माने फाउंडेशन ना मेक मेन जिनस होला फाउंडेशन, जदि फाउंडेशन स्ट्रांग नथिबो जे कोनो जिनस हो फॉर एग्जांपल आपण जदि घर भी तयार करछन ना, जदि फाउंडेशन क्लियर नथिबो तबे घर बुसुरी जीवो। तो सेमितिका जिनस फाउंडेशन जे कोनो से एग्जाम ओरिएंटेड किबा जे कोनो सब्जेक्ट को टारगेट करछन भल स्कोर पई तबे फाउंडेशन को आपण माने स्ट्रांग करबा को पडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण को अप्रोच करबा को पडिबो नै कोनोसी एग्जाम ओरिएंटेड कांसेप्ट, ता सते सते सेकंड होसिला फाउंडेशन को स्ट्रांग करबे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 रे होसी फाउंडेशन कोन कोन जिनस को फाउंडेशन स्ट्रांग करबे। तो ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल रहला ग्रामर, ता सते सते वोकैब, ता सते रीडिंग आउ लिसनिंग। रीडिंग लिसनिंग कोन पई रखिसि ताको भी मु आगे कहिबि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 70% रहसिला ग्रामर, ग्रामर आपण माने 70% आपण मानको कवर करबा को पडिबो। ता सते सते 20% वोकैब, ता सते सते रीडिंग आउ लिसनिंग। रीडिंग रो आउ लिसनिंग रो भी बहुत पावर अछि जेडा कि आपण मानको ग्रामर आ वोकैब रो बहुत ही हेल्पफुल हबो। 5% सही पे मुझे रखी जीवा। आम स्टेप 3, स्टेप 3 रोचे ग्रामर। ग्रामर बेसिक रू आपने कौन कौन करेंगे, बेसिक रू मैंने कहीदे मैंने आपने बही खुल जाए बस जाए सेमती का नुहे। तो बेसिक आपको जानवा को पड़ेगा सब्जेक्ट कैटा को चिन्हा पड़े, भार्व कैटा चिन्हा पड़े, अब्जेक्ट कैटा को चिन्हा पड़ो। ताने रही है आई एम ए बॉय, आई सब्जेक्ट रहा एम एल रहा भार्व, तो बॉय रहा गोटे अब्जेक्ट किंवा बॉय रहा गोटे कम्प्लीमेंट। तो सेमती का नुहे आपको डिफिकल्ट वार्ड गुड़ाक नहीं सब्जेक्ट भार्व अब्जेक्ट खोजा को पड़ो। ता सहित सर सेन्टेन्स सेन्टेन्स एंड काइंड ऑफ सेन्टेन्स, सेन्टेन्स कत प्रकार ता सहित सब काइंड सब से सब जिन आपको सब किसी जानवा को पड़ो। तापर रहा टेन्स, टेन्स के प्रकार तार सब यूजेस कौन सब कुछ आपने जानवाक पड़े। टेन्स बेसिक टेन्स जानवा को पड़े ना कि आपने टेन्स जो सब रूल से रूल को जानतु नहीं बेसिक टेन्स विषय खाली जानतु। तापर रहा फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिते प्रकार अच्छे तो 8 प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी ना, तो 8 प्रकार सब गुड़ाक चिन्हा शिखि दरकार। एक नाउन हो कि प्रोनाउन हो कि भार्व हो कि एडभार्व हो कंजक्शन इंट्रोजक्शन जहाँ भी हो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मानक चिन्हा को पड़ो। चिन्ह सारापर आप विषय उपर पढ़ा जी। तो ग्रामर बेसिक सब जिन ये जिन गुड़ाक आप फर्स्ट ऑफ ऑल करवा पड़ो। स्टेप 3, स्टेप 4 को जी आम जैसे कहते हैं रीडिंग। रीडिंग कौन करवा ना शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज आपके यूट्यूब बहुत ही मिलजिव कि चतुर्थ पंचम श्रेणी बही आपने सीबीएसई बही पढ़े तेज बहुत ही भल बेटर रोज आउ शॉर्ट स्टोरीज गुड़ाक आपने रीड करेंगे। तो रीड को जितने भी करेंगे निहाती जोर पाटे करेंगे क्या जोर पाटे रहने आपको कान सहित सहित माउथ रो भी पूरा पूरी रोज मैंने कनेक्शन रोज जो आप माइंड को रिडाइट करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज गुड़ा एट ए टाइम मैंने तीन टा जिन एंगेज होगा दरकार। तो शॉर्ट स्टोरीज गुड़ा टी लाउड लाउड वॉइस रे आपण माने रीडिंग करिवे। आमे स्टेप 5 जेडा कि मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कोन मोस्ट इंपोर्टेंट रुचले बेसिक वोकैबुलरी। बस बेसिक वोका आपण माने के टू करिवे। तो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स जे गुडा फ्रीक्वेंटली यूज होछ डेली लाइफ रे हो कि मा न्यूज पेपर हो जे कोन से जगह रे फ्रीक्वेंटली यूज होछ बहुत गुडा वोकैब, तो सही वोकैब को फर्स्ट टारगेट करिवे। ओ ट्रिपल एससी एग्जाम हो कि मा ओएसएससी हो कि मा ओपीएससी जे कोन से एग्जाम हो फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन जे गुडा सब आसुछि वोकैब रे सही गुडा को फर्स्ट टारगेट करिवे। तो ये तो टारगेट करिवे लेकिन आपण माने के टू करिवे सेइटा होछ मेन इंपोर्टेंट जिंस के टू करिवे। तो के टू करिवे आपण माने मुझे प्लेलीस्ट कर दी मुझे जे सारे प्लेलीस्ट अच्छी प्लेलीस्ट मुझे निहत जी चेकआउट करेंगे आहत डिस्क्रिप्शन बक्स में देखिए चेकआउट करेंगे। बहुत बढ़िया प्लेलीस्ट अच्छी आउ बेसिक वोकैब जो मैंने फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स गुड़ा से गुड़ा ही दिखाई। तो एवं आपको हाई लेवल वर्ड्स गुड़ा को फोकस करें फ्रीक्वेंटली यूज जो गुड़ा होती
आउ बेसी वोकाब से गुडा को ही टारगेट करो रे जीवा स्टेप 6 जडे होसी लिसनिंग स्किल्स तो लिसनिंग कोन करबे ता माने नय जे लिसनिंग आपन माने न्यूज़पेपर खुल जेबे न्यूज़पेपर को जे न्यूज़ आपन माने चैनल ओपन कर देबे तो न्यूज़ पढिबे समथि कानवे तो आपन माने कार्टून शो देखिबा को पडिबो इन इंग्लिश रो कार्टून शो जेटा के आपन माने फेवरेट कार्टून जेटा इंग्लिश रो देखिबे ता सते तो कैप्शन ऑन कर देबे YouTube रे जों गुडे सीसी लेखा आइ ता सेटा को ऑन करिके रखिबे ऑन करिके जहा को लेखा माने जहा इंग्लिश रो कहुतिबो सेटा से लेखा आसे ना तो सही जिन छोटा को सेठी लिसनिंग स्किल्स होय तो हालुका सेठी पढु दुबे तो सेटा रहिने कोनो आपन मन इंग्लिश पूरा तो इंप्रूव न होई पारे किंतु धीरे धीरे करके इंप्रूव हेज बार पूरा संभावना पॉसिबिलिटी अछि तापर होला स्टेप 7 स्टेप 7 जेटा के मो स्टार्टिंग रु कोदले जेटा के बहुत इंपोर्टेंट आवला फॉर मॉडरेट स्टूडेंट एता सब रोला बिगिनर स्टूडेंट्स पई बिगिनर जे माने स्टार्टिंग रु करिया पई चाहुचो आ स्टार्टिंग रु जे माने पर चोंदी तो करी चालंतु आ स्टेप 7 जेटा रोचला मॉडरेट स्टूडेंट जे माने मॉडरेट स्टूडेंट रोचे ताकु नेक्स्ट वीडियो रे मो आपन माने कोइबी कोन कोन करबा को पडियो मॉडरेट स्टूडेंट पई जदी एवरेज आपन माने सब किछि नाउन हो वर्ब हो एडजेक्टिव जे कोन चीज हो आपन तापर बेसिक किछि नॉलेज रखी चोंती तो निहाते बहुत ही बढ़िया आपन माने मॉडरेट स्टूडेंट पई नेक्स्ट वीडियो रे आपन माने कोइबी तो मॉडरेट स्टूडेंट पई कोन सब करबा को पडियो तो ये तो सब गोल आप सब स्ट्राटेजी नुहे जो कि आपटिंग बिगनर्स स्ट्राटेजी बट से सब आपदी आई होप कि आपसर कौन भी डाउट न रही थोड़ा जब भी रही थोड़ा ना निहाती मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिदेवे आ बेसिकली जो सब रीडिंग स्किल्स भी वीडियो मुझे वीडियो कि आपको लिंक मुझे प्रोवाइड करदेवि कैटू के आप सब मैंने पारे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को निहाती जाइए चेकआउट करूँ बहुत किसी वीडियो से मिल सको तो आई होप कि आपसर कौन भी डाउट रही थोड़ा जब भी रही थोड़ा निहाती मतलब कमेंट सेक्शन में मत लिखिक जनईपरि या फिर आप टेलीग्राम मतलब कमेंट कर टेलीग्राम मतलब मेसेज कर पारे तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो हम मॉडरेट पिलांग इंग्लिश कमी इंप्रूव करा आउ बहुत ही तगड़ा लेवल को ने तो मॉडरेट स्टूडेंट मैं से वीडियो आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो से तब पर्यटन आपा गुड बाय एंड टेक केयर।